हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपना ब्रांड न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 5। फटाफट से रजिस्टर निकाल देना और न्यू हेडिंग डालना मेरे साथ साथ। चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमारा यूनिट 3 जो है वो शुरू होता है। यूनिट 3 जो है वो पूरा एंटायरली बेस्ड है हमारे प्रोड्यूसर बिहेवियर पर। अगर आपको याद होगा, यूनिट 2 जो था वो था सारा का सारा कंज्यूमर के बिहेवियर पर। याद है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा हमने, कंज्यूमर की डिमांड पढ़ी हमने। अब यूनिट 3 जो शुरू होगा, इसमें हम अपने आप को प्रोड्यूसर मान लेंगे। अब हम मान लेंगे कि हम एक सप्लाई करने वाले व्यक्ति हैं। हम शायद किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, या हम कोई बहुत बड़े शॉपकीपर हैं, हमारी दुकान है। तो नाउ वी आर अ प्रोड्यूसर। तो यहां से हमारा सबसे पहला चैप्टर शुरू होता है, जिसका चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन बच्चों क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज, मेरे साथ साथ लिखना है, प्रोडक्शन इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट। तो बच्चों, प्रोडक्शन क्या मतलब है? व्हाट इज प्रोडक्शन? बहुत ही सिंपल मीनिंग है प्रोडक्शन का, कि प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है, जिससे हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, यानी बदल देते हैं किस चीज में? आउटपुट में। आउटपुट क्या होता है बच्चों? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं आपको एक पंखा बनाना है, फैन, ठीक है ना? तो फैन बनाने के लिए, फैन अगर हमारा एक आउटपुट है, तो उसको बनाने के लिए हमें बहुत सी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है हमें कुछ स्टील पार्ट्स खरीदने पड़े, हो सकता है हमें कुछ और रॉ मटेरियल खरीदने पड़े। इसके अलावा हमें मशीन्स की भी आवश्यकता पड़ेगी, ये भाई ऐसी शेप देने के लिए। इसके अलावा हमें लेबर की भी आवश्यकता पड़ेगी जो इन पर काम करेगा। तो बहुत सारी चीजों के संगठन की हेल्प से ही हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म कर करके आउटपुट बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्रोडक्शन। तो बेसिकली अगर इसको हम मैथमेटिकल रिलेशन के तौर पर लिखें, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यू, क्यू का मतलब हो गया आउटपुट। तो आउटपुट जो है इज अ फंक्शन ऑफ क्या? इनपुट्स। और इनपुट्स में क्या क्या आ सकते हैं? I1, I2, I3, बहुत सारे डॉट डॉट डॉट। यानी कि आउटपुट जो है वो किसका फंक्शन है? इनपुट्स का। तो बहुत सारे इनपुट्स की मदद से आउटपुट बन जाता है। तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन ये होता है। अब इसमें बच्चों हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमें इसमें इनपुट्स को समझना जरूरी है, कि इनपुट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो इनपुट्स को दो टाइप्स में बांटा गया है, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे मेरे साथ साथ। फटाफट नोट्स में डालना है इनपुट्स, और इसमें दो बाइफरकेशन करना। पहले बाइफरकेशन का नाम है फिक्स्ड इनपुट्स। तो फिक्स्ड इनपुट्स किसे बोलते हैं? तो फिक्स्ड के नीचे मेरे साथ लिखना, फिक्स्ड इनपुट्स किन्हें बोलते हैं? दोज इनपुट्स हुज एप्लीकेशन, दोज इनपुट्स हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज को अंडरलाइन कर लेना, हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट, हुज एप्लीकेशन डज नॉट चेंज विद चेंज इन आउटपुट। ठीक है, तो उनको फिक्स्ड इनपुट्स बोलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लैंड, ठीक है ना, जमीन हो गई बहुत बड़ी सी, या मशीन। तो अगर हमें कोई भी चीज प्रोड्यूस करनी है किसी भी कंपनी के अंदर, तो हमें कुछ फिक्स्ड इनपुट्स चाहिए। फिक्स्ड इनपुट्स वो होते हैं जो चेंज नहीं होते, ऐसा माना जाता है, जो जितने हैं उतने ही रहेंगे। अगर फैक्ट्री इतनी बड़ी है हमारी, ये हमारी लैंड है वहां पर, तो वो उतनी ही रहेगी, उसी में हमको प्रोडक्शन करना है, वो बढ़ेगी नहीं। या हमारे पास अगर मशीन्स हैं, सपोज 5 मशीनें हैं,
तो वो पांच ही रहेंगी, बढ़ेंगी नहीं। हाँ बढ़ भी सकती है, लेकिन हम ये मानते हैं कि वो फिक्स्ड फैक्टर है, वो चेंज नहीं होंगी। और अगर तो वो चेंज हो जाती हैं तो फिर हम उन्हें बोलेंगे वेरिएबल इनपुट्स या वेरिएबल फैक्टर्स। बच्चों इनपुट्स को प्यार से फैक्टर्स भी बोलते हैं, तो ये भी आप लिख लेना, इनपुट्स को फैक्टर्स भी बोला जाता है। तो दो तरह के इनपुट्स हो गए, एक हो गए फिक्स्ड इनपुट्स जो बदलेंगे नहीं विद अ चेंज इन आउटपुट, चाहे आप ज्यादा पंखे बनाओ चाहे कम पंखे बनाओ, मशीन उतनी ही रहेगी, जमीन उतनी ही रहेगी। लेकिन वेरिएबल इनपुट वो होते हैं जो आउटपुट की संख्या के साथ बदल जाते हैं। तो इसमें डेफिनेशन में लिखना है आपको दोज इनपुट्स हूज एप्लीकेशन चेंजेस विद चेंज इन आउटपुट, यानी कि सेम परिभाषा बस डज नॉट चेंज की बजाय आपको लिखना है चेंजेस, यानी कि वेरिएबल इनपुट कौन से होते हैं जो आउटपुट के साथ साथ चेंज हो जाएंगे। ज्यादा पंखे बनाओगे तो ज्यादा मजदूर चाहिए, कम पंखे बनाने हैं तो कम मजदूर चाहिए, ठीक है ना। तो इनको बोलते हैं वेरिएबल इनपुट्स और इनको बोलते हैं फिक्स्ड इनपुट्स। क्लियर हो गया? जैसे एक उदाहरण और देता हूं आपको, सपोज आप एक शादी में गए तो वहां पे शादी में आप देखते हैं कि जहां पे खाना बन रहा होता है किचन, तो वहां पर रोटियां बनाई जा रही होती हैं। तो रोटियां बनाने के लिए वहां पे जो लोग रोटियां बना रहे हैं उनके पास जो तवा है वो एक तरह से फिक्स्ड इनपुट है, वो तो उतना ही रहेगा। अगर तीन तवे हैं तो तीन ही रहेंगे। अब हो सकता है भाई ज्यादा रोटियां बनानी है फटाफट, तो ज्यादा आटा चाहिए, ज्यादा उसको ज्यादा लोग चाहिए रोटियां बनाने के लिए। तो कुछ होंगे ऐसे इनपुट्स वेरिएबल इनपुट्स जो ज्यादा कम हो सकते हैं, रोटियां ज्यादा बनानी होगी तो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा आटा चाहिए। कुछ होंगे फिक्स्ड इनपुट जो मानते हैं कि जो जितना है उतना ही रहेगा, जो बढ़ेगा या घटेगा नहीं आउटपुट के अनुसार। तो बच्चों इसीलिए इनपुट्स को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक को बोल देते हैं फिक्स्ड इनपुट्स और दूसरे को बोल देते हैं वेरिएबल इनपुट्स। क्लियर हो गया? ठीक है, नोट्स बच्चों हैंड टू हैंड नोट्स बनाते चलना है साथ साथ। इसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शंस जो है बच्चों जो हमने पढ़ा बेसिक, उसको तीन श्रेणियों में बांटा गया है, तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, मेरे साथ साथ लिखना है। सबसे पहले का नाम है वेरी शॉर्ट रन, दूसरे का नाम है शॉर्ट रन और तीसरे का नाम है लॉन्ग रन। तीन तरह के प्रोडक्शन फंक्शन माने गए हैं। वेरी शॉर्ट रन आप समझ लो ऐसा जिसमें बहुत कम समय है हमारे पास, बहुत ही कम टाइम है, मान लेते हैं एक मिनट। अब एक मिनट के अंदर अंदर ना तो आप अपनी जमीन को बड़ा कर सकते, जो आपकी फैक्ट्री की जगह है, जो आपकी मशीनें हैं मान लो, ना तो आप उन्हें ज्यादा बड़ा घटा सकते, और एक मिनट के अंदर अंदर तो आप अपने लेबर की संख्या भी नहीं बढ़ा सकते। यानी कि शॉर्ट रन एक ऐसे समय को बोला जाता है या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसी चीज को बोला जाता है, मेरे साथ साथ लिखो, व्हेन ऑल द इनपुट्स, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर फिक्स्ड, यानी कि सारे इनपुट्स जो होते हैं इसमें फिक्स्ड होते हैं, यानी जो जितना है वो उतना ही रहेगा, तो इसमें आउटपुट कभी बढ़ता नहीं है। तो वेरी शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है कि जिसमें आप कभी भी पंखे ज्यादा नहीं बना पाओगे, क्योंकि ना तो एक मिनट के अंदर आपको अगर बोला जाए एक मिनट में पंखा बनाओ, तो एक मिनट में ना तो मशीनें बढ़ेंगी ना मजदूर बढ़ेंगे, तो हम इसमें आउटपुट बदल नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। तो इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट रन, इसमें सारे ही इनपुट्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, यानी कि आप किसी भी इनपुट को बदल नहीं सकते, जो जितना है उतना रहेगा। अच्छा, फिर आते हैं लॉन्ग रन पे। लॉन्ग रन का मतलब है बहुत समय है, पांच साल। तो पांच साल का मतलब यह है कि लॉन्ग रन उसे बोलते हैं व्हेन, मेरे साथ साथ लिखो, ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, यानी कि
लंबा समय है हमारे पास, 5 साल है, तो भैया 5 साल में तो आप जमीन भी डबल कर सकते हो, मशीनें भी 5 की 20 कर सकते हो, मजदूरों की संख्या भी पता नहीं 100 से 1000 कर सकते हो। तो लॉन्ग रन उसे बोलते हैं कि एक ऐसी लंबी अवधि जिसमें आप सारे आउटपुट्स, मतलब सॉरी सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हो। ऑल द इनपुट्स आर वेरिएबल, यानी कि सारे इनपुट्स चेंज हो सकते हैं। और शॉर्ट रन, वेरी शॉर्ट रन किसे बोलते थे, जिसमें आप किसी भी इनपुट को चेंज नहीं कर सकते, जिसमें सारे इनपुट्स क्या हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया, वो बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया कि जी यहां तो एक ही मिनट मिलेगा और यहां 5 साल मिल रहे हैं, है ना। मजेदार बात यह है कि ना ही डिटेल में ये हमारे कोर्स में है और ना ही डिटेल में ये हमारे कोर्स में है। तो हमारे कक्षा 11वीं के कोर्स में है सिर्फ शॉर्ट रन, तो इसीलिए हमें फोकस करना होता है सिर्फ शॉर्ट रन पे। तो शॉर्ट रन क्या कहता है, शॉर्ट रन कहता है कि वन इनपुट, बहुत ध्यान से लिखना मेरे साथ साथ, वन इनपुट इज वेरिएबल, यानी कि एक इनपुट तो वेरिएबल होगा, वन इनपुट इज वेरिएबल एंड ऑल अदर्स आर फिक्स्ड। तो ये है इसमें सबसे मजेदार बात, तो इसीलिए यही हमारे सिलेबस में, क्योंकि यही सबसे बढ़िया है, यही सबसे मजेदार है, ये दोनों तो बकवास है। ये कह रहा है सारे फिक्स्ड हैं, वेरी शॉर्ट रन ये तो वैसे ही बेकार हो गया, लॉन्ग रन ठीक है 5 साल है, 5 साल तक कौन जाने 5 साल में क्या होगा। तो ये सबसे बढ़िया है शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन का मतलब है कि इतना समय है हमारे पास कि हम एक इनपुट तो बदल सकते हैं, मान लो लेबर, हम चाहें तो हम लेबर की संख्या बढ़ा सकते हैं, भाई आज एक मैंने फोन करा मजदूर को, आ जाओ भाई रामू आ जाओ जल्दी काम पे, शामू आ जाओ, तो लेबर की संख्या मैं बढ़ा सकता हूं। तो एक इनपुट तो वेरिएबल है यानी कि वो बढ़ सकता है, लेकिन दूसरा इनपुट जो है वो फिक्स्ड रहेगा, यानी कि मेरे पास अगर जो जमीन है, जो लैंड है मेरे पास, वो उतनी ही रहेगी, या जो मशीन है मेरे पास वो उतनी ही रहेगी, वो नहीं बदल लेगी। तो शॉर्ट रन किसे बोलते हैं, शॉर्ट रन का मतलब एक इनपुट वेरिएबल है जो बढ़ सकता है और बाकी इनपुट फिक्स्ड है, मतलब वो बढ़ेंगे नहीं, जो मशीन जितनी है उतनी रहेगी, लैंड जितनी है उतनी रहेगी, तो इसको बोलते हैं हम शॉर्ट रन। तो यही हमारे कोर्स में है। तो बच्चों ये आप नोट कर लो फटाफट से अपने रजिस्टर के अंदर सुंदर सुंदर। तो ये 3 तरह के प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं। चलो ठीक है सर, नोट कर लिया, ओके। तो अब बिल्कुल फ्रेश पेज पर आ जाना, अब मैं आपको प्रोडक्शन की, अब हमारा कोर्स बस यही है तो यही पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वो दोनों हट गए। अब मैं आपको प्रोडक्शन की खूबसूरती सिखाऊंगा, आज प्रोडक्शन के बारे में ऐसी ऐसी बातें सिखाऊंगा कि आप पागल हो जाओगे। सिखाओ सर प्रोडक्शन के बारे में हमें, आज सब कुछ सिखा डालो। चलो ठीक है बच्चों, तो आज सब कुछ सिखा डालूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चों मैंने एक आपके लिए एक बड़ा सा एक शेड्यूल बनाया है, जो आप भी बनाओगे सुंदर सुंदर अपने रजिस्टर के अंदर। सबसे पहले मैंने कॉलम बनाया है फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है ना। तो फिक्स्ड फैक्टर को समझते हैं कि फिक्स्ड फैक्टर का मतलब क्या। फिक्स्ड फैक्टर का मतलब है बच्चों कि ये सपोज आप एज्यूम कर लो लैंड। फिक्स्ड फैक्टर मतलब क्या, मैं यहां लिख देता हूं आपके समझने के लिए, ये हम जमीन की बात कर रहे हैं, लैंड यानी कि आप ऐसा समझ लो हम पंखे बनाने का काम करते हैं और फिक्स्ड फैक्टर हमारा क्या है, हमारी जमीन जो हमारी फैक्ट्री है, भाई वो फैक्ट्री इतनी ही रहेगी। मान लो ये मेरा फैक्ट्री का एरिया है इतना, मान लो तो ये इतना ही रहेगा, वो हो गया फिक्स्ड फैक्टर। दूसरा मैं ले रहा हूं वेरिएबल फैक्टर, इसे आप अपने मन में मजदूर मानो, यानी कि लेबर समझ लो, वेरिएबल फैक्टर लेबर जो चेंज हो जाएगा। मैंने रामू को फोन करा, रामू आ जाओ पंखा बनाने, शामू आ जाओ, गोपाल आ जाओ, तो ये है वेरिएबल फैक्टर जो चेंज हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। बस अभी इतना फोकस करते हैं। तो अब देखो, अभी इतना फोकस करना बच्चों, हाँ। तो
अब देखो बच्चों, ये तो हमारी जमीन है, जमीन की वैल्यू मैंने वन ले ली, वन मतलब हमारी एक जमीन है, एक एरिया है हमारे पास। अब हमने जीरो मजदूरों को काम पर लगाया, जीरो मतलब कि खाली जमीन पड़ी हुई है लेकिन वहां मजदूर कोई नहीं है। एक खाली जमीन पड़ी हुई है लेकिन मजदूर कितने हैं वहां? जीरो, कोई नहीं है। चलो अब मेरे को पहली टर्म सिखानी है, मेरे साथ ध्यान से सुनना। टीपी, टीपी का मतलब होता है बच्चों टोटल प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो पहले हम इसी की बात करेंगे अभी। टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मतलब समझ लो आप पंखे, हमारे उदाहरण में प्रोडक्ट, भाई हमारा प्रोडक्ट क्या है? पंखा। तो हमारे लिए प्रोडक्ट क्या हो गया? पंखा, ठीक है ना? एक जमीन, जीरो मजदूर, तो कितने पंखे बनेंगे? जीरो, ठीक है ना? तो मैं न्यूमेरिक वैल्यू लेकर आपको समझाना चाह रहा हूं। एक जमीन, जीरो मजदूर, कितने पंखे बनाएगा? जीरो। अब मैंने पहले मजदूर को फोन करा, मैंने कहा रामू जरा आ जाओ यार, पंखे बनवाने हैं। तो रामू आ गया। अब मेरी फैक्ट्री में एक मजदूर आ गया, तो पता है रामू आते ही, रामू आ गया, अब मैं कितने पंखे बना लूंगा? दो। तो रामू के आते ही अब मेरी फैक्ट्री में कितने पंखे बन गए? दो पंखे बन गए। अब मैंने कहा कि यार थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। अब मैंने फोन कर दिया शामू को, मैंने कहा शामू तुम भी आ जाओ पंखे बनवाने। तो रामू तो ऑलरेडी फैक्ट्री में काम कर रहा था, अब शामू भी आ गया। तो अब मेरे कितने लेबर हो गए, कितने मजदूर हो गए? दो मजदूर हो गए। तो अब ये दोनों मिलके काम करेंगे, ये दोनों मिलके काम करेंगे, तो बताओ कितने पंखे बनाएंगे? सर एक मजदूर ने दो पंखे बनाए थे रामू ने, अब शामू भी आ गया, दो मजदूर हो गए, तो दो मजदूर मिलके चार पंखे बनाएंगे, है ना? यही कहना चाहते हो ना आप? तो मैं अब लिख रहा हूं कि दो मजदूरों ने मिलके बनाए छह पंखे। अब आपको अचंभा हो रहा होगा, हैं सर ये कैसे? ये सर गलत कह रहे हो आप, ये हम नहीं मानेंगे आपकी बात। बच्चों माननी पड़ेगी, फिलहाल माननी पड़ेगी, फिर मैं इसके आपको रीजंस दूंगा, तर्क दूंगा, फिर आप समझ जाओगे। तो एक मजदूर जो था वो बना रहा था दो पंखे, जब दो मजदूर हो गए तो बना रहे हैं वो छह पंखे। मैं बड़ा खुश। फिर मैंने फोन करा राजू को भी, रामू आ गया शामू आ गया, मैंने कहा राजू आ जाओ तुम भी फैक्ट्री में काम है। तो अब मेरे पास तीन मजदूर हो गए। तो पता है बच्चों तीन मजदूर मिलके कितने पंखे बनाएंगे? तीन मजदूर मिलके बना रहे हैं 12 पंखे। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक बार थोड़ी देर के लिए समझते हैं बच्चों। शुरू शुरू में क्या होता है, जो हमारी ये फैक्ट्री है, जो हमारी ये लैंड है, उसमें जब एक मजदूर आता है तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से दो पंखे बना लेता है। जब दूसरा भी आता है तो क्या हो जाते हैं, वो दो लोग मिल जाते हैं। तो जब दो लोग मिलते हैं ना हमेशा शुरू शुरू में, तो हमेशा एफिशिएंसी बढ़ जाती है, दोनों की बढ़ जाती है, दोनों में एक अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है, दोनों अपने अपने स्पेशलाइज्ड काम को करते हैं, तो ऐसे में एफिशिएंसी बढ़ जाती है बच्चों। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक मजदूर अगर दो पंखे बना रहा था तो मैथमेटिकली लगेगा तो ये कि दो को चार बनाने चाहिए, लेकिन प्रोडक्शन की यही खूबसूरती है कि दो मजदूर जो है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, तो दो मजदूर मिलके छह पंखे बना लेते हैं। यही प्रोडक्शन की खूबसूरती है जो मुझे आपको सिखानी है बच्चों, इस खूबसूरती को सिखाना है, नहीं तो एक का दो और दो का चार तो नर्सरी का बच्चा भी बता देगा। ठीक है सर, समझ रहे हैं? अच्छा फिर देखो, अब रामू हो गया शामू हो गया, अब मैंने राजू को भी बुला लिया, तो अब मेरी फैक्ट्री जो है उसमें इतनी जगह है कि तीन लोग बिल्कुल प्रॉपरली एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, और उस समय तो बिल्कुल एफिशिएंसी टॉप क्लास है, सबसे ऑप्टिमम पॉइंट पर है। तो मतलब दो लोगों ने सिर्फ छह पंखे बनाए थे, और जब ये तीन मिल गए तो इन तीनों ने तो मिलकर ऐसा एफिशिएंट काम करा, ऐसा एफिशिएंट काम करा कि तीन ने मिलकर ही 12 पंखे बना डाले। तो हमेशा प्रोडक्शन की खूबसूरती पता है क्या होती है, स्टार्टिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जब हम मजदूरों को बुलाते हैं, लेबर को बढ़ाते हैं, तो बहुत ही एफिशिएंसी से काम बढ़ता है, रिटर्न्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक अगर दो बना रहा है तो दो शायद छह बना रहे होंगे, ऐसा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में प्रोडक्शन जो है वो काफी अच्छी स्पीड से बढ़ता है, टोटल प्रोडक्ट जो है, पंखे जो है वो बहुत स्पीड से बढ़ते हैं।
तो अब मैं एक लाइन लगा देता हूं, ठीक है। अब मैंने चौथे मजदूर को बुला लिया। अब बच्चों देखो, फैक्ट्री जो है वो तो लिमिटेड ही है ना, इतनी ही जगह है। इस जगह में तीन लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। अब मैंने जब चौथे मजदूर को बुलाया तो देखते हैं कितने पंखे बने। जब चौथा मजदूर आया बच्चों, तो चौथा मजदूर आने के बाद चार मजदूरों ने मिलकर बनाए 16 पंखे। थोड़ी सी एफिशिएंसी कम हो गई, थोड़ी सी कम हो गई अगर आप गौर करोगे तो। तीन जनों ने मिलकर 12 बना लिए थे, दो ने तो 6 बनाए थे, उसके बाद तीसरे तक के आते ही 12 बन गए थे। तो उम्मीद तो यह थी कि और बढ़ना चाहिए, लेकिन उतना बढ़ा नहीं। कई बार बच्चों क्या होता है, एक ऑप्टिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू भी हो जाती है। भाई लिमिटेड जगह है, तीन लोग बना रहे हैं तो अच्छा बन रहा है। भाई घर में मान लो एक पिज्जा बन रहा है, अब पिज्जा बनाने के लिए चलो ठीक है, एक आया उसने बेस तैयार कर दिया, एक ने चॉपिंग कर दी, एक ने डिजाइनिंग कर दी। अब चौथे को भी बुला लोगे, पांचवे को भी बुला लोगे, खुद सोचो एक पिज्जा बन रहा है, पांच जने खड़े हो गए, तो उल्टा क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। जो अच्छा पिज्जा बनना था वो और बेकार हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है, एफिशिएंसी आने के बाद एक पड़ाव ऐसा आ जाता है जब एफिशिएंसी थोड़ा स्लो हो जाती है। अब देखो स्लोनेस देखना, एफिशिएंसी की स्लोनेस देखना। अब मैंने पांचवे मजदूर को भी बुलाया, अब टोटल पांच मजदूर हो गए, है ना, पांच मजदूर, और पता है कितने पंखे बनाए इन्होंने, सिर्फ 18। बताओ कोई बात है, पांच मजदूर हो गए और सिर्फ पंखे कितने बना रहे हैं, 18। ये प्रोडक्शन का बिहेवियर होता है बच्चों, मुझे यही सिखाना है। इट इज नॉट मैथमेटिक्स कि एक ने दो बनाए तो दो चार बनाएगा, तो तीन आठ बनाएगा या छह बनाएगा, नहीं। दिस इज द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन, समझना है कि स्टार्टिंग में एफिशिएंटली काम होता है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ता है, ये उसकी खूबसूरती है। फिर ऑप्टिमम पॉइंट के बाद क्या होता है, प्रोडक्शन थोड़ा स्लो हो जाता है, देख रहे हो स्लो हो गया। और जब मैं सिक्स्थ लिखूंगा ना तो आप पागल हो जाओगे, हां सर एक बार लिखो। अब मैंने छठे मजदूर को बुलाया, अब टोटल कितने मजदूर हो गए, 6 हो गए ना, तो पता है इन 6 ने मिलकर कितने पंखे बनाए, आप विश्वास नहीं मानोगे, इन 6 ने मिलकर 18 ही पंखे बनाए। यानी कि जो छठा मजदूर आया उसके आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। भाई पांच लोग पहले से पिज्जा बना रहे थे मान लो, ठीक है ना, आपका छोटा भाई भी आके पीछे खड़ा हो गया, हाँ चलो मैं भी बना रहा हूं, तो उसके आने से कुछ हुआ नहीं। तो मतलब छठा मजदूर आया उसके आने से भी कुछ नहीं हुआ। तो ये प्रोडक्शन की खूबसूरती होती है बच्चों कि प्रोडक्शन की एफिशिएंसी शुरू में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर एक पॉइंट के बाद ना एफिशिएंसी स्लो हो जाती है, मतलब वो बात नहीं रहती। तो ये प्रोडक्शन का बिहेवियर है, दिस इज द टोटल प्रोडक्ट बिहेवियर, बहुत ही खूबसूरत बिहेवियर होता है। अच्छा अब मैंने क्या गलती करी, मैंने सातवें मजदूर को भी बुला लिया, मतलब एक पिज्जा बन रहा है ऐसा समझ लो, जो पिज्जा तीन या चार लोग बना लेते अच्छे से, उसमें पांचवा भी आ गया, छठा छोटा भाई भी आ गया, मैंने पड़ोसी को भी बुला लिया, सातवां आदमी भी आ गया, तो जितने पिज्जा बनने चाहिए थे, उल्टा पता है क्या होगा, अब देखो अब आपको हंसी आएगी, मतलब आपको हंसी आएगी, सात मजदूर जब लगे तो सिर्फ पंखे बने 14। तो समझ रहे हो, मतलब कि ज्यादा मजदूरों को बुलाने का उल्टा मेरे को नुकसान झेलना पड़ रहा है। भाई मेरी इतनी सी फैक्ट्री है जहां तीन या चार लोग अच्छे से काम कर सकते हैं, वहां मैंने पांचवा बुला लिया, छठा बुला लिया, अब सातवें के बुलाते ही तो उल्टा क्या हुआ, जो मेरी प्रोडक्शन पहले हो भी रही थी ना वो और कम हो गई, क्योंकि लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। भाई लड़ाई झगड़े इन द सेंस कि इतनी सी छोटी सी जगह में हमने सात लोगों को खड़ा कर लिया, एक किचन के अंदर मान लो सात लोग मिलकर पिज्जा बना रहे हो तो धक्का मुक्की हो जाएगी, पता चला पिज्जा ही नीचे गिर गया, बर्बाद हो गया। फिर मैंने और सबसे बड़ी गलती कर दी, मैंने आठवें मजदूर को भी बुला लिया, तो मतलब फिर तो भूल ही जाओ, हमारे एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन जो है कम हो गया। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती समझो, प्रोडक्शन के बिहेवियर को पहचानो, इट इज नॉट मैथ्स, फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो प्रोडक्शन की खूबसूरती क्या है, उसको तीन पड़ाव से समझो। पहले प्रोडक्शन हमेशा एफिशिएंटली बढ़ता है, तेज होता है, कि एक ने बनाए दो पंखे तो दो बना देंगे 6 पंखे, तीन बना देंगे 12 पंखे। फिर एक पड़ाव आता है, दूसरा पड़ाव, जिसमें प्रोडक्शन की एफिशिएंसी थोड़ा कम हो जाती है ये। और फिर अगर आपने गलती कर दी कि तीसरे पड़ाव पे भी पहुंच गए, बहुत ज्यादा लोगों को बुला लिया, एक पिज्जा बनाने के लिए 7-8 लोग आ गए, तो हमेशा ध्यान रखना एक पड़ाव ऐसा आएगा जब प्रोडक्शन उल्टा कम हो जाएगा।
तो प्रोडक्शन का बिहेवियर जो है ना बच्चों, ये तीन स्टेजेस में चलता है, ये तीन तरह से चलता है। कैसे चलता है मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, इतना तो आपको नोट करना ही है, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनना कि प्रोडक्शन जो है, जिसको आप शॉर्ट में टीपी बोलेंगे, ठीक है, अब से क्या बात चलेगी, प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे आप और भाई, टीपी, ठीक है, टोटल प्रोडक्ट। तो टीपी का बिहेवियर समझो कि स्टार्टिंग में ये एफिशिएंटली बढ़ता है, यानी बहुत तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो एक बच्चा जब रेस में भागता है तो क्या होता है, कैसे भागता है, शुरू में तो उसको लगता है बस आज तो देखो क्या भागूंगा मैं, तो शुरू के एक मिनट तो वो पूरा अपना ऐसे चेस्ट आउट करके पूरा मतलब जोश में भागता है, स्प्रिंट, पूरी तेजी से भागता है। फिर थोड़ी देर में क्या हो जाता है, तेजी से भागने के बाद अब सांस फूल गई, तो सांस फूलेगी जब, तो धीरे 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 भागेगा, यही प्रोडक्शन का बिहेवियर है। फिर वो धीरे धीरे भागता है, थका हारा ऐसे पीठ झुक जाती है, धीरे धीरे भाग रहा है, धीरे धीरे भाग रहा है, और जब गलती हो जाए, अपने स्टेमिना धीरे धीरे का भी खत्म हो जाए, तो फिर अगर भागने की कोशिश करोगे फिर आप रेस छोड़ दोगे, फिर कहोगे अरे भैया मैं वापस जा रहा हूं, हाँ वहीं लेट जाओगे। तो फिर तो तीसरे पड़ाव में क्या होता है, प्रोडक्शन बेचारा धड़ाम गिर जाता है, खत्म हो गई कहानी। तो प्रोडक्शन का बिहेवियर तीन स्टेजेस में चलता है, ठीक है ना, ये इसकी खूबसूरती है। इस खूबसूरती को समझ गए, पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया, ये खूबसूरती समझ गए, चैप्टर फिनिश। अब खाली इतनी चीज को अब मैं डायग्रामेटिकली समझाना चाहता हूं आपको, खाली इतनी चीज को, ठीक है ना, खाली इतनी चीज को मैं डायग्रामेटिकली समझाना चाहता हूं बच्चों आपको, ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। जीरो चलो छोड़ देते हैं, जीरो छोड़ देते हैं, दो पंखे बने थे, दो के बाद बने छह, छह के बाद बने बारह। एक बार ना अपने इसकी जंप देखते हैं, जंप देखते हैं, सिर्फ आप और मैं ओरली कैलकुलेट करते हैं। जीरो से हमने दो बनाए, कितना जंप लिया, टू का जंप लिया। टू से हमने सिक्स बनाया, कितने का जंप लिया, फोर का जंप लिया। सिक्स से हमने ट्वेल्व बनाया, कितने का जंप लिया, सिक्स का जंप लिया, ठीक है ना। तो शुरू में हम तेज तेज भाग रहे हैं, पूरा फुल स्पीड तेज तेज भाग रहे हैं। तो पता है टोटल प्रोडक्ट का टीपी का डायग्राम कैसा बनता है, शुरू में ये तेजी से भागता है, तो जब इंसान तेजी से भागता है तो एकदम चेस्ट आउट ऐसे भागता है ये, तो ये भी पता है कैसे भागता है टीपी, शुरू में वो उसकी स्पीड ये होती है, मतलब कि देख रहे हो उसकी शेप, ये मतलब इस शेप को बोलते हैं, इस शेप को बोलते हैं टीपी इंक्रीजेस, मतलब भाग रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, मतलब कि शुरू में तो ऐसी स्पीड से भागता है ये भाई कि बस कोई पकड़ ही ना पाए इसको। शुरू शुरू में इसकी स्पीड होती है ये फुर तेजी से, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है ना। फिर क्या होता है, तेजी से तो भाग लिए भाई साहब, अब सांस फूल गई, तो सांस फूलने पर फिर ये हो जाते हैं थोड़ा स्लो, अब इनकी पीठ झुक जाएगी, थोड़ा थक गए, हा हा, धीरे धीरे भागते हैं, धीरे धीरे भागते हैं, ये प्रोडक्शन की खूबसूरती है। तो कर्व पर, इस कर्व में थकान सी आ जाती है इस पॉइंट के बाद, और ये धीरे धीरे पीठ झुका के, देखो पीठ झुकी हुई है इसकी, ये धीरे 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 पीठ झुका के भागते हैं, पीठ झुकी हुई, देख रहे हो फर्क, देख रहे हो इंसान की बॉडी लैंग्वेज में ही फर्क हो जाता है। अगर आप तेज भागोगे तो देखना ऐसे ऐसे भागोगे, जब थक जाओगे तो ऐसे हो जाओगे, यही इसके साथ है। शुरू में तेज भागता है तो बॉडी लैंग्वेज अलग, फिर धीरे हो जाता है तो बॉडी लैंग्वेज अलग। तो इसको बोलते हैं टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट, यानी कि ये थक चुके हैं, ये धीरे धीरे भाग रहे हैं, अब थक गए, और भगवान ना करे तीसरे पड़ाव में, जब तीसरे पड़ाव में जाते हैं, यानी कि जहां प्रोडक्शन हमने लिख रखी थी ये, तो तीसरे पड़ाव में तो प्रोडक्शन क्या होती है, उल्टा कम, खत्म, थक गया, गिर गया, सब खत्म। तो तीसरे पड़ाव में तो आते ही टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बेचारा गिर जाता है, ये देखो गिर रहे। तो ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व है जो इसकी खूबसूरती बयां कर रहा है, और अगर आप ये खूबसूरती समझ गए तो मतलब कि आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। करें रिवाइज एक बार, तो पहले स्टार्टिंग के अंदर तो टीपी कैसे भागेगा, इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, दूसरे पड़ाव में
टीपी कैसे भागेगा, इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे, और तीसरे पड़ाव में बेचारा गिर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो ये देखो सेम चीज, ये सेम चीज हमारे इस शेड्यूल में भी नजर आ रही है जो हमने डिस्कस करी। बोलो समझ आ रहा है ना पॉइंट, क्लियर? अच्छा ये फिगर एट थी, ओ एट, ठीक है ना। तो मुद्दा वही है कि शुरू में टीपी बढ़ेगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, फिर फॉल करेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चों टोटल प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो इतना शेड्यूल और इतना डायग्राम पहले आप ये बना लेना, क्लियर हो गया ना। चलो अब आता हूं मैं दूसरी टर्म पर। दूसरी टर्म का नाम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट किसे बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि टीपी में यानी कि प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, कितना जंप आया, या एक एडिशनल मजदूर बुलाने की वजह से, एक एडिशनल इनपुट की वजह से कितना चेंज आया, ठीक है ना। देखो आप टोटल प्रोडक्ट जीरो से जंप लेके टू हुआ तो कितना चेंज आया, अगर मैं पहले जीरो बना रहा था और अब टू बना रहा हूं तो कितना चेंज आया, टू। पहला वाला तो नॉट एप्लीकेबल, टू से मैंने जंप ली और टू के बाद अब मैंने करा सिक्स डब्बों का या सिक्स पंखों का प्रोडक्शन, तो पहले दो पंखे बनाता था, तीसरे मजदूर के आते ही छह बनाने लगा, तो इसका मतलब कितना चेंज आया, चार। उसके बाद छह पंखों के बाद मैंने बनाए बारह पंखे, तो अब तीन मजदूर बारह पंखे बना रहे हैं और पहले छह बन रहे थे, तो छह से मैंने बारह पे जंप लगाई तो कितना एडिशनल पंखे बनाए, छह। तो मार्जिनल प्रोडक्ट इज बेसिकली नथिंग, इट इज एडिशनल प्रोडक्ट। आप कितने एडिशनल डब्बे बना रहे हो या कितने एडिशनल पंखे बना रहे हो, 12 से फिर मैं पहुंच गया 16 पे तो कितनी जंप ली, 4। 16 से मैं पहुंच गया 18 पे, कितनी जंप ली, 2। 18 से मैं 18 पर ही रहा तो कितनी जंप ली, 0। अब आप थक चुके हो, अब आपकी सांसें फूल चुकी हैं, जितना भागना था भाग लिए तेज धीरे, अब होगा आपके साथ क्या, 18 से आप जंप नहीं ले रहे उल्टा 14 कम हो रहे हो, तो पता है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, -4। इट मींस आपका एडिशन नहीं हो रहा, उल्टा एडिशन क्या है, -4 है, भड़ नहीं रहे घट रहे हो, 14 से हुए 8, ओ माय गॉड। तो इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट है -6। तो ये प्रोडक्शन की खूबसूरती है, अगर आप एमपी की टर्म्स में देखना चाहते हो, मार्जिनल प्रोडक्ट की टर्म्स में देखना चाहते हो, तो उसकी खूबसूरती क्या है, 2, 4, 6। यानी कि ध्यान से देखना, एमपी पहले पड़ाव में बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ये बढ़ा, उसके बाद 6 पे पहुंचने के बाद 2, 4, 6, फिर वो उसमें गिरावट आती है 4, 2, 0। तो मतलब पहले बढ़ेगा फिर इसमें गिरावट आएगी 4, 2, 0, कम हो जाएगा, 0 तक पहुंच जाएगा कम होते होते, तो ये यहां से अपनी इसकी गिरावट शुरू होती है 4, 2, 0, 0 हो गया। और जब ये तीसरे पड़ाव में जाता है, तीसरा पड़ाव तो इसके लिए नेगेटिव वाला पड़ाव है, मार्जिनल प्रोडक्ट तीसरे पड़ाव में आते ही -4, -6 यानी नेगेटिव हो गया, खत्म, इसकी तो नेगेटिविटी शुरू, ये तीसरे पड़ाव में क्या हो गया, नेगेटिव। तो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो कर्व है वो देखो कितना डिजाइनर है, कितना स्टाइलिश है, देख रहे हो उसका डिजाइन, मतलब पहले तो ये बढ़ेंगे ऊपर जाएंगे, और जो इनकी वैल्यूज में भी है आप यहां पे चेक कर सकते हो, मैं कोई भी चीज अपने मन से नहीं बना रहा, 2, 4, 6 पहले इसकी वैल्यू बढ़ी, फिर उसके बाद 4, 2, 0 दूसरे पड़ाव में इसकी वैल्यू कम हो गई 4, 2, 0, और तीसरे पड़ाव में आप देख ही रहे हो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेवियर जो है वो ये है, तो देखो कितना खूबसूरत और कितना स्टाइलिश बिहेवियर है, समझ आ रहा है ना बच्चों। तो प्रोडक्शन की अपनी खूबसूरती है, प्रोडक्शन इतनी बढ़िया चीज है, टोटल प्रोडक्ट की दृष्टि से देखोगे तो एक अलग बात है, उसका तरीका अलग था कि वो पहले तेज भाग रहा है फिर धीरे भाग रहा है और फिर तो गिर ही गया,
और एमपी के नजरिए से देखोगे तो ये पहले बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर तो नेगेटिव ही हो जाएगा। तो ये हो गया एमपी। क्लियर हो गया? नोट्स बनाते रहना है साथ साथ। तो दिस इज टोटल प्रोडक्ट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। एक छोटा सा तीसरा कॉन्सेप्ट और होता है एपी। एपी का मतलब होता है बच्चों एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट एक बहुत ही मैथमेटिकल टर्म है, इसका मीनिंग भी बहुत मैथमेटिकल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलो यहां से ले लेता हूं। तीन मजदूरों ने 12 पंखे बनाए थे, ठीक है। तीन मजदूर बच्चों 12 पंखे बनाते हैं, तो अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ अगर तीन मजदूरों ने 12 पंखे बनाए तो ऑन एन एवरेज एक मजदूर कितना बनाता है ना। एवरेज क्या है? एक मजदूर की एवरेज निकालो। तो आप कैसे निकालोगे एवरेज? 12 पंखे बनाए डिवाइडेड बाय तीन मजदूरों ने बनाए, तो एवरेज कितना आ गया एक मजदूर का? 4। तो एवरेज प्रोडक्ट पता है कैसे निकालते हैं हम? एवरेज प्रोडक्ट इज नथिंग। एवरेज प्रोडक्ट इज बेसिकली टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो भी हमारी लेबर मजदूर है, यानी ये वेरिएबल फैक्टर। इसको मैं वेरिएबल फैक्टर शॉर्ट में लिख देता हूं, ठीक है ना। तो देखो, 2 पंखे बनाए एक मजदूरों ने, पहला तो छोड़ो, तो एवरेज प्रोडक्ट 2। 6 पंखे बनाए 2 मजदूरों ने, तो बताओ अगर 2 मजदूर 6 पंखे बना रहे हैं तो एवरेज क्या आई? एक मजदूर की एवरेज क्या आई? 6/2, 3 पंखे। 12 पंखे बनाए 3 मजदूरों ने, एवरेज आ गई 4। 16 पंखे बनाए 4 मजदूरों ने, फिर से एवरेज आ गई 4। 18 पंखे बनाए 5 मजदूरों ने, एवरेज आ गई 3.6। 18 पंखे बनाए 6 मजदूरों ने, तो अब क्या एवरेज आएगी? 3। उसके बाद 14 पंखे बनाए 7 मजदूरों ने, तो अब क्या एवरेज आई? 2। 8 पंखे बनाए 8 मजदूरों ने, तो अब क्या एवरेज आएगी? 1। तो एवरेज प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, इट इज सिंपल एवरेज, मैथमेटिक्स वाला एवरेज। तो एवरेज प्रोडक्ट जो होता है बच्चों वो हम ऐसे निकाल लेते हैं, सिंपल टोटल प्रोडक्ट जो बने यानी कि ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर यानी कि ये, तो इसको बोल देते हैं एवरेज प्रोडक्ट। लेकिन हां, इसका डायग्राम जब हम बनाएंगे तो इसके भी कर्व की अपनी एक खूबसूरती बनेगी। तो सर एक बार वो भी बना के दिखाओ। तो इसकी कर्व की खूबसूरती ये होती है कि ये शुरू तो यहीं से होता है जहां से टीपी और एमपी शुरू हुए, क्योंकि 1 लेबर पर टीपी भी 2 था, एमपी भी 2 था और ये भी 2 ही है। तो शुरुआत तो तीनों की एक ही बिंदी से होती है, लेकिन ये रहता सबसे नीचे है, सबसे नीचे, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे फिर ये एमपी को टच जरूर करता है। एक पॉइंट पर आकर ये एमपी के बराबर जरूर होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है बच्चों, एक बार शेड्यूल में देखें, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर एमपी की वैल्यू और एपी की वैल्यू बराबर हो जाती है, और ये ना दूसरे पड़ाव के बीच में ही कहीं हो रही है। तो आप देख रहे हो ना, दूसरे पड़ाव में हो रही है, ये दूसरा पड़ाव जो चल रहा है इसमें आकर इनकी वैल्यू कहीं बराबर हो जाती है। देखो डायग्राम पर भी, ये दूसरे पड़ाव में आकर इनकी वैल्यू बराबर हो जाती है, और ये जैसे ही इसको टच करता है, पता नहीं इसको ना जाने कौन सी मिर्ची लग जाती है, ये बावला हो जाता है, इसको यहां पे टच करते ही बस ये यहां से गिरना शुरू कर देता है नीचे बस। हाँ, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होता, ये इसकी बात है कि ये जीरो या नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये इसमें गिरावट आ जाती है। तो एवरेज प्रोडक्ट का कर्व जो देखोगे आप, तो वो भी अपने आप में एक अच्छा डिजाइनर, और उसकी भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है कि वो भी यहां से बढ़ेगा, एमपी को टच करेगा, टच करते ही इसको करंट लग जाता है और ये नीचे पहुंच जाता है। तो अब आप ये डायग्राम बच्चों बना लो, तीनों कर्व का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खूबसूरती समझना बहुत जरूरी है। अगर ईच एंड एवरी कर्व की आप खूबसूरती समझ गए, जैसे मैंने सिखाई ताकि याद रहे और बने, तो आपका समझ लो ये चैप्टर फिनिश। टीपी को कैसे याद रखना है, याद करने के तरीके, टीपी को कैसे याद रखना है, पहले ये भागेगा तेजी से, तेजी से, तेजी से भागा, फिर ये भागेगा धीरे धीरे, पीठ झुका के धीरे धीरे, और फिर ये गिर जाएगा, बस टीपी खत्म, 3 स्टेजेस में। फिर एमपी कैसे भागेगा,
एमपी पहले ऊपर बढ़ा, फिर नीचे जाएगा जीरो तक, और थर्ड में तो बस पूछो ही मत, नेगेटिव। ये हो गया एमपी। और एपी सबसे शांत स्वभाव का व्यक्ति, इसको कोई मतलब नहीं है दिन दुनिया से, सबसे नीचे एपी धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। एमपी से टकराते ही इसको क्या लगा, करंट लगा, और टकराने के बाद नीचे 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 नीचे, हाँ जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो इस तरह से ये तीनों कर्व बनाने हैं बच्चों आपको डायग्राम पर। तो तीनों कर्व बना लिए और क्या सीख लिया, शेड्यूल सीख लिया। तो तीनों कर्व और टीपीएमपी एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये बच्चों नोट कर लो आप अच्छे से। तो टीपीएपी एमपी क्या होते हैं वो अपने को आ गया, इनका बिहेवियर कैसे चलता है वो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ये सीख गए ना, आज ही सीख गए, तो मैं फिर से बोल रहा हूं आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगले क्लास के अंदर हम यही दोबारा चर्चा करेंगे दूसरे तरह से, है यही। और इसका डायग्राम, डायग्राम की अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस कर ली तीनों कर्व की, तो बस सब कुछ फिनिश। समझ आया ना? चलो अब इस पॉइंट को कुछ कहते हैं, वो लिख लो। इस पॉइंट को मतलब ये कौन सा पॉइंट होता है, आप तेजी से भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आता है ना, सांस फूल गए, अब धीरे भागना है। तो ऐसे ही टीपी जो है पहले तेजी से भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है, तेजी से भाग रहा है। दूसरे पड़ाव में आते ही मतलब इस पॉइंट पर आते ही अब ये थक गया, ओ पीठ झुक गई। तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों, इसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, INFLEXION, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये लिख लेना बच्चों, ये पूछ लेता है वन नंबर में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो जो इंपॉर्टेंट है। टीपी क्या है, टोटल पंखे, एमपी क्या है, मार्जिनल यानी एडिशनल पंखे, और एपी क्या है, नॉर्मल एवरेज। तो आज का होमवर्क ये है कि कृपया करके तीनों कर्व्स की प्रैक्टिस करें बनाने की, और शेड्यूल मैंने बनवाई दिया, इस शेड्यूल को कोशिश करना लर्न करने की। इस शेड्यूल में पूरा चैप्टर है, ये एक शेड्यूल पूरा चैप्टर आपका फिनिश कर देगा, ठीक है ना। तो खैर आज हमें यही बेसिक चर्चा करनी थी प्रोडक्शन की, बाकी हम अब करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।